नगर निगम चुनाव में बसपा, भाजपा और सपा के साथ आप भी दम दिखाती नजर आ रही है। अधिकांश वार्डों में भाजपा और बसपा के पार्षदों में सीधी टक्कर नजर आती है। वार्ड 37 के मतदान बूथों पर भाजपा के समर्थक अपनी जीत का दावा करते नजर आए। वहीं मतदाता वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब करने से मतदाता खासे परेशान है। BLO प्रशासन की गलती बताकर अपनी जान बचाता नजर आया, लेकिन वहीं मतदाताओं ने वोटर लिस्ट की अनियमितताओं को सत्ताधारी पार्टी का षड्यंत्र बताया। ये वार्ड नंबर 37 नगला ईदा, यहाँ से जगन सिंह वरुण बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और दोनों के लिए महापौर के लिए हमारे डॉक्टर लता वाल्मीकि जी और वरुण जी के लिए, इन दोनों के लिए हाथी चल रहा है बड़ा जबरदस्त, जनता में भारी जोश है। इस बार नगर निगम में हाथी प्रवेश कर चुका है और आप देखेंगे पोलिंग बूथ पे लाइन लगी हुई है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की, खूब जोश है। और इस बार महापौर डॉक्टर लता वाल्मीकि बनने जा रही हैं और वार्ड नंबर 37 से वरुण जी हमारे वो भी जीतने जा रहे हैं, तो दोनों हमारे हाथी की सीटें निकली। समस्या किस तरह की आ रही है वोटर के लिए जो मतदान करने जा रहे हैं लोग? इस बार जो मेन समस्या आ रही है वो वोटर लिस्ट पे, यहाँ के मतदाता को कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा उनके वोटों को दूसरी जगह ट्रांसफर करा दिया या कटवा दिया गया, तो ये जनता जो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लौट के जा रहे हैं, या किसी का पोलिंग जो बूथ है वो 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक डाल दिया गया है, ये एक साजिश सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की है ताकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, कोर वोट है, बेस वोट, वो वोट न डाल सके, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। लेकिन बसपाइयों में जोश है और वो इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। 2 किलोमीटर दूर है तो हमारा मतदाता 2 किलोमीटर दूर भी जाएगा और हाथी वाले बटन को दबाएगा। आज बड़े जनता के बीच में उत्साह है और बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी का हर एक वो कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ लगा हुआ है और जगन प्रसाद हमारे जो वार्ड नंबर 37 के प्रत्याशी हैं उनके लिए उन कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि वो एक कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। वो काफ़ी लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है और जनता भी चाह रही है कि अब की कुछ बदलाव होना चाहिए और बहन लता वाल्मीकि जी के पक्ष में बहुत अधिक से अधिक मतदान हमारे नगलाईता क्षेत्र में हो रहा है। पर इसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक योजनाबद्ध तरीके से एक सरकार की जो मनमानी चल रही है, जो गुंडई चल रही है, कम से कम 1500 वोटों को यहाँ से भाग संख्या 86 जगदीशपुरा में ट्रांसफर किया गया है और हमने SDM साहब को अवगत कराया था। हमारे पास कम से कम 15-20 हमने प्रार्थना पत्र दिए, लिखित शिकायत दी है और उसके अपेक्ष में जाँच भी बैठी गई और जाँच भी हुआ, उसका समाधान नहीं हुआ। पर इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता जितने ही वोट निकल रहे हैं हम लोग वहाँ भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हाथी वाला बटन खूब दब रहा है और बहन लता वाल्मीकि जो कि नगर निगम पहुँच चुकी हैं उनको कोई नहीं रोक रहा है और भाई जगन सिंह भी वार्ड 37 से हमारे प्रत्याशी पार्षद के रूप में जीत कर आ रहे हैं। हमारा नाम देवेंद्र सिंह है, निवासी वार्ड संख्या 37 सेक्टर 4 आवास पर भवन नंबर 740। वार्ड 37 से अगर देखा जाए तो भाजपा की जीत का लोग कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ऐसा है, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं और बाकी निर्णय जो है वोट खुलने के बाद मालूम होता है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं जिस तरीके से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्रद्धेय जगन सिंह वरुण के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वार्ड संख्या 37 और जितने भी इर्द गिर्द जो हमारे वार्ड हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी अच्छी मात्रा में जीतने का प्रयत्न करेगी और नगर निगम में जन समस्या हैं जो लोगों की, जिस पर सत्ता पक्ष खड़ा नहीं उतर रहा है, तो हम चाहते हैं एक बार जनता से मेरा पुनः अनुरोध है कि अगर हम सभी लोग मिलकर के जगन सिंह वरुण को जो जिताने का कार्य करेंगे और जन समस्याओं पर हम लोग अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम रामिन सिंह सिवता है, मैं बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ वर्तमान में। किस तरह माहौल चल रहा है? माहौल इस समय वर्तमान में जो मैं हवा देख रहा हूँ वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चल रहा है। हमारा हाथी बड़ी जोर से चिंगाड़ रहा है और हमारे मेयर लता वाल्मीकि जी भारी बहुमत से जीत रही हैं। ज़्यादातर हमारे पार्षद भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, पोलिंग स्टेशनों पर जो भीड़ भाड़ से दिख रही है, अपने बहुजन समाज के लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उस हिसाब से दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट अच्छे परसेंट में बना। पूरे क्षेत्र में जनता में बहुत उत्साह है,
और वोटर निकल रहा है। मैं सुबह से निरंतर जब से देख रहा हूँ, पोलिंग शुरू हुई है तब से वोटर का लगातार आना जाना लगा हुआ है। और हम अपनी जो हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से गजेंद्र पिप्पल, उसकी जीत के लिए पूरी तरफ से संतुष्ट हैं। उसकी हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और मैं जानता हूं कि अब की बार और अच्छे वोटों से हमारे प्रत्याशी जीते हैं। इस बार कह रहे हैं बदलाव की बिहार चल रही है, इस बार जगन नहीं, नहीं ऐसा कहीं नहीं है। हमारे प्रत्याशी की टक्कर पे कोई प्रत्याशी नहीं है और हम देख भी रहे हैं लोगों का जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग बढ़ चढ़ करके मतदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। हमारा प्रत्याशी 100% जीत रहा है। भाजपा पर आरोप लग रहा है, प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि साहब वोटरों को इर्द गिर्द क्या थे भेज दिया है, वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए हैं जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर थे। नहीं, मैं तो पूर्व में प्रत्याशी यहाँ रहा हूँ, प्रेजेंट में पार्षद हूँ बीजेपी का यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आरोप है। जब लोग अपना वोट बनवाएंगे ही नहीं तो वोट आएगा कहाँ से? जो मेरे समय में भी वोट था वो प्रेजेंट में आज भी वोट है, उसमें से कोई वोट नहीं कटा है, ये गलत आरोप। मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद, कौन से वार्ड में आते हो आप? वार्ड नंबर 37 में हूँ सर मैं। 37 में हूँ और मेरे घर में 16-17 वोट हैं। केवल मेरा अकेले का ही वोट आया है, वो मैंने वोट डाला है जी, और घर में किसी का वोट नहीं है। उसकी आपने कहीं शिकायत इंक्वायरी की? बीएलओ साहब के पास आया हूँ। बीएलओ साहब कह रहे हैं हमें नहीं जानते, प्रशासन ऊपर से लिस्ट आती है, हमारे पास से लिस्ट नहीं आती है। ऊपर से लिस्ट आएगी वही हम बताते हैं, हमारे पास से कोई लिस्ट नहीं बनती है, ऊपर से लिस्ट आई है सरकार से। तो आपका क्या लग रहा है, आपको क्या, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है हमारे पास, क्या जो हमारा वोट है हम डाल दे रहे हैं। बीएलओ साहब से बात करिए करिए, वो मना कर रहे हैं हमसे। कितने लोग रह गए वोट डालने से? 15 लोग हैं, वोट नहीं डाल पाए, मैं अकेला वोट डाला हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, ये क्षेत्र में रहता हूँ जी। कौन से वार्ड में आते हैं आप? वार्ड यही है 37 जी जी, 37 वार्ड है। कौन सा वार्ड है? 37 वार्ड है। कितने में फैमिली मेंबर हैं आपके? हमारे चार हैं। चार है, कितने? चारों का नाम नहीं है। तो आपने यहाँ बीओले से नाम निकल पा रहे हैं? नहीं, वो लिस्ट में ही नाम नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है अभी, ये बैठे समस्या हल करने के लिए, बस लिस्ट में देख के बता दे के ना। ऐसे कोई भी आदमी बैठ के बता सकता है। वो भी बता सकता है, ये काहे के लिए बैठे फिर? बेकार जाना चाहिए। वोट नहीं डाल पा रहे? नहीं। कैसा लग रहा है आप वोट नहीं डाल पाएंगे? हमें बुरा लग रहा है, जबकि हमारे पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, सब चीज़ है।